ओके गाइस, चलिए हम एफआईपी डेवलपमेंट गोल पढ़ लेते हैं। एफआईपी डेवलपमेंट गोल का मतलब क्या होता है? हालांकि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का ही पार्ट है, लेकिन ये फार्मेसी फील्ड को स्ट्रांग बनाने के लिए काम करता है। ठीक है, तो अभी रिसेंटली अपडेट के साथ जो एफआईपी डेवलपमेंट गोल्स हैं इन्हें हम डिस्कस करेंगे, लेकिन हम पहले बेसिक पढ़ लेते हैं कि एफआईपी डेवलपमेंट गोल होता क्या। ठीक है, तो एफआईपी डेवलपमेंट गोल को बेसिकली अब क्या कहते हैं, इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन। हालांकि इट इज़ रिटन एज एफआईपी, बट वी कॉल इट एज इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इस डेवलपमेंट गोल को बनाने का मेन मोटिव क्या है? ट्रांसफॉर्मिंग ग्लोबल फार्मेसी, यानी कि जो ग्लोबली जो फार्मेसी फील्ड है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, फार्मेसी इंडस्ट्री काम कैसे करती है, और फार्मेसी इंडस्ट्री का बेसिकली रोल जो है एक हेल्थ को अपलिफ्ट करने का है वर्ल्ड वाइड। ठीक है, तो जब हम फार्मेसी को स्ट्रांग बनाएंगे, फार्मास्यूटिकल कंपनीज को स्ट्रांग बनाएंगे, तो हम इवेंचुअली हेल्थ को प्रमोट कर पाएंगे। तो हमें क्या करना है, उसे ट्रांसफॉर्म करना है ग्लोबली। ठीक है, ट्रांसफॉर्मिंग ग्लोबल फार्मेसी कैसे, बाय वर्किंग इन पार्टनरशिप एंड कोलैबोरेशन विद आवर मेंबर्स एवरीवेयर। यानी कि जो एफआईपी डेवलपमेंट गोल के जो मेंबर्स हैं, वर्ल्ड वाइड जो मेंबर्स हैं, उनके साथ पार्टनरशिप करके, उनके साथ कोलैबोरेट करके हमें काम करना है। ठीक है, और क्या करना है, टू लॉन्च अ फार्मास्यूटिकल वर्क डेवलपमेंट फोर्स, PWDGs, यानी कि एक फार्मास्यूटिकल वर्क फोर्स डेवलप करना है। ठीक है, फार्मास्यूटिकल वर्क डेवलपमेंट गोल, ठीक है, जो फार्मेसी को आगे बढ़ाए, इस तरीके के गोल्स अचीव करने हैं हमें। ठीक है, इसके लिए ये काम करता है। और ये कब हमने बनाया था, ये कब लॉन्च हुआ था, ये नवंबर 2016, और इसकी जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, इसको लॉन्च करने की कॉन्फ्रेंस हुई थी, कहाँ पर हुई थी, FIP गोल ग्लोबल कॉन्फ्रेंस फार्मेसी एंड फार्मास्यूटिकल साइंस एजुकेशन इन नानजिंग चाइना। नानजिंग प्रोविंस में, चाइना में ये हुआ है, वहाँ पर कॉन्फ्रेंस हुई थी। कहाँ पर कॉन्फ्रेंस हुई थी, FIP ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन फार्मेसी एंड फार्मास्यूटिकल साइंस एजुकेशन कॉन्फ्रेंस इन नानजिंग चाइना। ठीक है, और इसके जो प्रेसिडेंट हैं करंट में, वो है डोमिनिक जॉर्डन, एंड जो करंट CEO हैं वो है कैथरीन ड्यूगन। ठीक है, ड्यूगन या डगन, इट्स टोटली अ डिफरेंस ऑफ प्रोनाउंसिएशन। तो और ये कहाँ पर है, बेसिकली इसका हेडक्वार्टर्स जो है, इट्स इन नेदरलैंड। ठीक है, तो नेदरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। प्रेसिडेंट इज डोमिनिक जॉर्डन, CEO इज कैथरीन ड्यूगन। ठीक है, कब ये शुरू हुआ था, नवंबर 2016 में। पहली कॉन्फ्रेंस इसकी कहाँ हुई थी, नानजिंग चाइना में। ठीक है, और इसका मेन मोटिव क्या है, ट्रांसफॉर्मिंग ग्लोबल फार्मेसी। ठीक है, अब हम एक एक करके इसके 21 टोटल गोल्स हैं उन्हें हम पढ़ते हैं। ठीक है, इन FIP डेवलपमेंट गोल्स को समझ लेते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं है ये, तो मैं नहीं कहूँगी, अगर समझने बैठेंगे तो बहुत वास्ट है, लेकिन हम इन्हें पॉइंट वाइज थोड़ा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। हम इन्हें डिस्क्रिप्टिव वे में नहीं समझेंगे, अदरवाइज़ एक पूरी बुक है इसके ऊपर, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। तो आप चाहें तो अगर FIP डेवलपमेंट गोल्स को इलैबोरेटली और डिस्क्रिप्टिवली या फिर पूरा एडवांस समझना चाहते हैं, तो हर एक गोल के अंदर बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो हम बेसिक बात समझेंगे। ठीक है, एकेडमिक कैपेसिटी, यानी कि फार्मेसी में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, फार्मेसी फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा लोग एजुकेट हों, क्योंकि अगर फार्मेसी में ज़्यादा से ज़्यादा लोग एजुकेट होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ सर्विस की तरफ जो है बढ़ पाएंगे और लोगों को जागरूक करा पाएंगे। और एकेडमिक कैपेसिटी बढ़ानी है, चाहे वो स्टूडेंट्स की कैपेसिटी बढ़ाएँ, चाहे वो टीचर्स, एजुकेटेड प्रोफेशनल टीचर्स जो है, अच्छे प्रोफेसर्स जो अच्छे एजुकेट कर पाएँ, ऐसे लोगों की कैपेसिटी बढ़ानी है हमें फार्मेसी फील्ड में। ठीक है, और एजुकेशन, अर्ली करियर ट्रेनिंग स्ट्रैटेजीज, अर्ली करियर ट्रेनिंग स्ट्रैटेजीज यानी कि डिप्लोमा फैसिलिटीज, जल्दी से जल्दी लोगों को तैयार करना, जल्दी से जल्दी छोटे छोटे कोर्सेज कराना, ताकि इस फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हो पाएँ और एक वर्कफोर्स डेवलप हो पाए। ज़्यादा से ज़्यादा फार्मेसी की फील्ड में लोग जब जुड़ते हैं, तो आप जल्दी से जल्दी आप एक फोर्स तैयार कर पाते हैं। ठीक है, यानी कि जितनी जल्दी सोल्जर्स तैयार होंगे, उतनी जल्दी एक फोर्स तैयार कर पाएंगे, और उतनी तेज़ी से हम आगे फार्मेसी फील्ड को बढ़ा पाएंगे, और फार्मेसी फील्ड को जितनी तेज़ी से बढ़ा पाएंगे, उतनी जल्दी हम हेल्थ को प्रमोट कर पाएंगे। ठीक है,
क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी एश्योरेंस में दो तीन चीज़ें हैं। क्वालिटी एश्योरेंस ये भी कहता है कि जो हम ड्रग्स बना रहे हैं, जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में रिसर्च कर रहे हैं, उसमें क्वालिटी है कि नहीं, दवाइयों की क्वालिटी मेंटेन है कि नहीं। इवन क्वालिटी में यहाँ पर ये भी बात है कि जो हम स्टडी करा रहे हैं, जो एकेडमिक कैपेसिटी आ रही है हमारे यहाँ, और उनको हम क्वालिटी ऑफ स्टडी, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, जो टीचर्स एजुकेट कर रहे हैं स्टूडेंट्स को, वो क्वालिफाइड, वेल क्वालिफाइड हैं कि नहीं एक वर्क फोर्स को, एक सोल्जर्स को, फार्मेसी सोल्जर्स को तैयार करने के लिए। तो ये वो है क्वालिटी अश्योरेंस, ठीक है। एडवांस एंड स्पेशलिस्ट डेवलपमेंट, एडवांस एंड स्पेशलिस्ट डेवलपमेंट का मतलब है यहाँ पर कि स्पेशलाइजेशन, जैसे कोई भी फार्मेसी है या फार्मासिस्ट है, तो हमें अपनी फील्ड में बहुत स्पेशलाइज्ड होना चाहिए, हमें अपने करियर की, हमें अपने फील्ड की इतनी जानकारी होनी चाहिए कि अगर हमें कहीं भेजा जाए तो हम अपने आप को प्रूव कर सकें, अपना काम बहुत अच्छे से कर सकें। यहाँ पर क्वालिटी एश्योरेंस ही इन्वॉल्वमेंट हो जा रहा है, क्योंकि अगर हम स्पेशलाइज्ड हैं तो हम क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हम क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं तो ऑब्वियस ही बात है कि आगे जाके जो भी दवाइयाँ बनेंगी और जो भी स्ट्रैटेजीज लाई जाएंगी हेल्थ को प्रमोट करने के लिए, वो स्ट्रांग और एक्यूरेट होंगी, गुड क्वालिटी होगी, ठीक है। इसीलिए हमें स्पेशलाइजेशन डेवलप करना होता है, ठीक है। कॉम्पिटेंसी डेवलपमेंट, कॉम्पिटेंसी का मतलब होता है स्किल या एबिलिटी, ठीक है। हमें बस फार्मेसी पढ़नी नहीं है, फार्मेसी को प्रमोट नहीं करना है, फार्मेसी को स्ट्रांग नहीं बनाना है, हमें स्किल्स को डेवलप करना है। जितने भी लोग आ रहे हैं फार्मेसी फील्ड में, वो बहुत ही स्ट्रांग हो, स्ट्रेंथेंड हो, कोर उनका डेवलपमेंट हो, चाहे वो क्वालिटी एश्योरेंस हो, क्वालिटी कंट्रोल हो, चाहे वो एक ड्रग इंस्पेक्टर हो, चाहे वो एक छोटा मैनेजर हो, चाहे वो एक मार्केटिंग एजेंट हो, वो उनके अंदर एक स्किल और एक कॉम्पिटेंसी एक होनी चाहिए कि वो आगे जाके क्या चेंजेस ला सकते हैं और क्या बेटर इसमें फील्ड में कर सकते हैं और कितना तेज़ी से हम अपनी वर्कफोर्स डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। लीडरशिप डेवलपमेंट, लीडरशिप डेवलपमेंट इज़ लाइक कि अगर हमें फार्मेसी फील्ड को बढ़ाना है तो हमें कहीं ना कहीं क्या होता है कि एक लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, ताकि हम वर्कफोर्स को बढ़ा सकें और एक डायरेक्शन दे पाएँ उसमें, चाहे वो आप ये भी कह सकते हो कि टीम हो, टीम का एक लीड हो और हर बंदे में एक लीडरशिप क्वालिटी हो, ठीक है। चाहे वो एजुकेशनल सेक्टर में हो, चाहे इंडस्ट्रियल सेक्टर में हो, चाहे फार्मास्यूटिकल रिसर्च में हो, क्योंकि जब आप लीड सही करेंगे तभी हम किसी सही आउटकम पर निकलते हैं, ठीक है। एडवांसिंग इंटीग्रेटेड सर्विसेज, एडवांसिंग इंटीग्रेटेड सर्विसेज यानी कि जितने भी सेक्टर्स हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, चाहे वो टीचिंग सेक्टर हो, ठीक है, आप एडवांस करें, अपनी स्किल्स को डेवलप करें, ठीक है। और डेवलपमेंट करने में, स्किल्स को डेवलप करने में, स्टडिंग एंड टीचिंग स्ट्रैटेजीज को डेवलप करने में जो है ज़्यादा जोर दें, ठीक है। वर्किंग विद अदर्स इज़ वेरी इजी, वर्किंग इन कोलैबोरेशन का काम है कि अगर किसी कंट्री में कोई एडवांस टेक्नोलॉजी आई है या फिर कोई नई वैक्सीन डेवलप हुई है या फिर हमें सपोर्ट करना है किसी वैक्सीन को डेवलप करने में या रिसर्च प्रोग्राम्स में, तो हमें एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन में काम करना है, ठीक है। कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज, कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज का मतलब होता है कि आप एक, जैसे अगर मैं एक प्रोफेशनल हूँ, मैं बी फार्म हूँ, तो बी फार्म तक ही मेरी एजुकेशन सीमित नहीं है, मैं आगे फार्माकोविजिलेंस कर सकती हूँ या फिर मैं क्लिनिकल रिसर्च में जा सकती हूँ या फिर मैं अपना एक स्पेसिफिक जो है व्हाट कंटिन्यूइंग प्रोफेशन, अपने प्रोफेशनल एजुकेशन को एक कंटिन्यूअल बेसिस पे बढ़ा सकती हूँ और आगे और ज़्यादा स्पेसिफिक टारगेटेड या स्किल्ड वर्क को अंजाम दे सकती हूँ, यानी कि अपने प्रोफेशन में स्किल्ड बन पाऊँ इवेंचुअली। तो ये है कि कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज को बढ़ावा देना, ठीक है। इक्विटी एंड क्वालिटी, इक्विटी यानी कि किसी भी चीज़ को डेवलप करना है, किसी भी चीज़ को बढ़ाना है तो उसमें पैसा लगेगा, ठीक है, और फंड लगता है, तो फंड का इन्वॉल्वमेंट साथ ही साथ फंड को लगने के बाद जो आउटकम निकल रहा है, जो वैक्सीन्स निकल रही हैं, जो नई मेडिसिंस निकल रही हैं, वो क्वालिटी हो, ठीक है, क्योंकि हमें इवेंचुअली हेल्थ को प्रमोट करना है, हम लोगों के लिए दवाइयाँ बना रहे हैं, अपने प्रॉफिट के लिए दवाई नहीं बना रहे हैं, हमें इवेंचुअली हेल्थ प्रमोट करनी है, ठीक है। तो
क्वालिटी एश्योरेंस के लिए हमें कहीं ना कहीं फ़ंड से ही चाहिए होता है। उसके अलावा इक्विटी का मतलब ये भी है कि हमें एकेडमिक्स में भी जो है ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट करना है, क्योंकि इवेंचुअली जब वर्क फोर्स अच्छी होगी, जब एजुकेशन क्वालिटी वाइज होगी, जब हम क्वालिटी एजुकेट करके स्टूडेंट्स जो जाते हैं इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं, अगर उनको पढ़ाया ही सही नहीं जाएगा तो क्वालिटी कहाँ से आएगी। ठीक है, तो हमें इन चीज़ों पर काम करना है। ठीक है, इम्पैक्ट एंड आउटकम, देखिए इम्पैक्ट एंड आउटकम एक बहुत सीधी चीज़ है कि हम जितना फोर्स लगा रहे हैं चीज़ों को डेवलप करने में, कंपनीज़ को डेवलप करने में, फार्मेसी स्ट्रैटेजीज़ को बिल्ड करने में, तो उसका आउटकम क्या निकल रहा है। तो हम कोई भी गोल तय करें उसको इस बेसिस पे तय करें कि इवेंचुअली हमारा आउटकम यही है कि हमें हेल्थ को प्रमोट करना है थ्रू फार्मेसी। ठीक है, तो इस पर भी हम ध्यान देंगे, इस पर भी हम काम करते हैं इसमें। ठीक है, फार्मेसी इंटेलिजेंस, फार्मेसी FIP जो है इन इटसेल्फ इज़ अ फार्मेसी इंटेलिजेंस। जैसे कि WHO जो है पूरे वर्ल्ड में हेल्थ को प्रमोट करता है, हेल्थ को मॉनिटर करता है, कोई नई बीमारी आती है तो उसके बारे में न्यूज़ सर्कुलेट होती है, पूरे ज्योग्राफिकली उसको उसका नोटिफिकेशन दिया जाता है। सेम फार्मास्यूटिकल्स वर्कफोर्स डेवलपमेंट में क्या होता है, FIP डेवलपमेंट गोल में क्या होता है कि हम एक फार्मेसी के ऊपर एक सर्वेलेंस रखते हैं, इसे हम फार्मेसी इंटेलिजेंस कहते हैं, कि कहाँ पर क्या चीज़ कम है, कहाँ पर क्या काम करनी है, कहाँ पर हमें हेल्थ को कितनी तेज़ी से प्रमोट करना है, कौन सा ऐसा सेक्टर एरिया है जहाँ पर कम्युनिकेबल डिजीज़ आ रही है तो वहाँ पर हमें दवाइयों को प्रमोट करना है, कोई नया वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है, वायरस बॉर्न डिजीज़ है तो हमें उसके लिए नई वैक्सीन कौन सी लानी है, हमें काम एक तो एक सर्वेलेंस बना के रखना है कि कहाँ पर काम करना है, किस सेक्टर में काम करना है। इसके लिए डेटा डेवलप होता है, डेटा कलेक्ट किया जाता है और डेटा के बेसिस पे हमें पता चलता है कि हमें किस सेक्टर में काम करना है बेसिकली। ठीक है, तो एक फार्मास्यूटिकल इंटेलिजेंस की भी रिक्वायरमेंट होती है ताकि मॉनिटर हम करते रहें कि अगर मानिए इवेंचुअली कि जो हम वर्कफोर्स डेवलप कर रहे हैं, जो हम सोल्जर्स फार्मेसी सोल्जर्स खड़े कर रहे हैं, हम ग्राउंड लेवल पर ही बात करते हैं, हम हमेशा ग्राउंड लेवल पर बात करते हैं, अगर हम एजुकेट ही नहीं सही कर रहे हैं लोगों को, हमारा टीचिंग सोर्स ही सही नहीं है और उसके टीचिंग सेक्टर में जो टीचर्स ही अच्छे नहीं हैं पढ़ाने वाले, तो स्टूडेंट्स अच्छे नहीं निकलेंगे, स्टूडेंट्स अच्छे नहीं निकलेंगे तो जो इंडस्ट्री में जाने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो सही चीज़ कैसे आउटपुट देंगे, है ना। तो करप्ट नहीं होना चाहिए, चीज़ें शुरू से ही सही होनी चाहिए। तो मॉनिटर करना कि अगर आउटकम सही नहीं निकल रहा है तो गड़बड़ी कहाँ हो रही है, इसके लिए हमें एक फार्मास्यूटिकल इंटेलिजेंस चाहिए होता है। ठीक है, पॉलिसी डेवलपमेंट, ये एक होलिस्टिक अप्रोच होती है। होलिस्टिक अप्रोच का मतलब क्या होता है कि आप सोशली इकोनॉमिकली पॉलिटिकली जो है आप चीज़ों को सब तरफ से देख के ह्यूमन बीइंग के सोशल डेवलपमेंट के लिए हम ये चीज़ देखते हैं। तो एक सोशल अप्रोच यहाँ पर ऐड हो जाती है कि जब हम कोई पॉलिसी डेवलप करते हैं, फार्मास्यूटिकल पॉलिसीज डेवलप करते हैं, तो अप्रोचेबल है कि नहीं है, लोगों तक वो पहुंच सकती है कि नहीं है, लोगों के लिए बहुत एक्सपेंसिव तो नहीं है, जो हम लोग वैक्सीन्स और सब कुछ डेवलप कर रहे हैं वो लोगों की रीच में है कि नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके की पॉलिसीज़ जो हैं डेवलप करते हैं हम इसमें। ठीक है, मेडिसिन एक्सपर्टीज़ इज़ वेरी ईजी कि अगर चाहे वो छोटा सा एक मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूटर हो, चाहे वो दवाई जिसने बनाई हो, चाहे वो एक स्टूडेंट हो, चाहे वो एक ड्रग इंस्पेक्टर हो, उनको अपनी मेडिसिन के बारे में, अपनी फील्ड के बारे में एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए, उन्हें पता होना चाहिए कि किस तरीके की बीमारियों में किस तरीके की दवाइयाँ लगती हैं, वन शुड नो। ठीक है, पीपल सेंटर्ड केयर, यहाँ पर बात वही आ रही है इवेंचुअली कि हम जो भी चीज़ बना रहे हैं, जो भी स्ट्रैटेजीज डेवलप कर रहे हैं फार्मेसी फील्ड में, पढ़ाई इवन हम एजुकेट भी जो लोगों कर रहे हैं वो हम अपने बेनिफिट के लिए नहीं कर रहे हैं। जैसे डॉक्टर्स का प्रोफेशन कहता है कि हमें हमारे लिए पेशेंट ही सबसे ऊपर है, तो यहाँ पर फार्मेसी प्रोफेशन ये कहता है कि हम जो भी काम कर रहे हैं वो लोगों की मदद, लोगों की सहायता के लिए कर रहे हैं। तो जो भी रिसर्च, जो भी पढ़ाई, जो भी आप एजुकेट हो रहे हैं वो इवेंचुअली लोगों की मदद में काम आए। तो हम ये पीपल सेंटर्ड बनाते हैं, ना कि कंपनी सेंटर्ड या फिर इंडस्ट्री सेंटर्ड, पीपल सेंटर्ड काम हो रहा है यहाँ पे अच्छी सोच के साथ। ठीक है, कम्युनिकेबल डिजीज़ का मतलब है कि
कोई भी नई बॉर्न डिजीज़ आई है, कोई भी कम्युनिकेबल डिजीज़ आई है, तो हमें तुरंत काम करना है उसके ऊपर और तुरंत जो है वैक्सीन डेवलप करना है, और वैक्सीन भी डेवलप करना है तो अप्रोचेबल एरियाज में से जगह जगह पहुंचाना है। ये काम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का है, ठीक है। एंटी माइक्रोबल स्टूवर्डशिप का मतलब होता है कि जैसे एंटी माइक्रोब्स, यानी कि हम देखिए वर्कफोर्स डेवलप कर रहे हैं, वर्कफोर्स डेवलप करने के लिए हमें स्टूवर्डशिप का मतलब होता है कि किसी स्पेसिफिक सेक्टर पर ध्यान देना, किसी स्पेसिफिक काम को ध्यान देना। तो माइक्रोबियल बॉर्न डिजीज़ जो है उनके ऊपर हमें ध्यान देना है ताकि हम अर्ली से अर्ली जो है उनके लिए कोई तोड़ ला सकें, कोई दवा ला सकें, ठीक है। एक्सेस टू मेडिसिन सर्विसेज एंड डिवाइस एंड सर्विसेज, यानी कि डिजिटली आप देखिए हर चीज़ आ रही है, इवन शुगर की भी मशीन आ रही है, ब्लड प्रेशर चेक करने की मशीन आ रही है, अब घर पे बहुत कुछ चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इन सब का एक्सेस जो है इजीली जो है जनता के पास होना चाहिए, दवाइयाँ आराम से इजीली एक्सेस, यानी कि अगर कोई ऐसी दवा है जो यहाँ अवेलेबल नहीं है तो हमें कोशिश करनी है ग्लोबली हमें हर चीज़ को, दवा को पहुँचाना है, दूर दूर तक पहुँचाना है। तो और जो डिवाइसेस हैं, जो जैसे कि अगर आप छोटे से हार्ट पेसमेकर की ही बात कर लेते हैं जो हार्ट बीट्स को करेक्ट करता है मैकेनिकली, तो उस पेसमेकर की भी अवेलेबिलिटी इजीली है कि नहीं है, अप्रोचेबल है कि नहीं है, उसके लिए हमें क्या करना है, काम करना है। सब हमें वर्कफोर्स डेवलप का मतलब होता है कि हम हर चीज़ को अवेलेबल करा सकें, ठीक है। पेशेंट सेफ्टी, इवेंचुअली देखिए जहाँ पर ये पेशेंट सेंटर्ड बात आई थी केयर, पेशेंट सेफ्टी यानी कि जो भी चीज़ें हम बना रहे हैं, जो भी डेवलप कर रहे हैं, जो भी दवाइयाँ प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो सेफ़ है कि नहीं पेशेंट के लिए, इसके लिए हमें काम करना है, ठीक है। डिजिटल हेल्थ का मतलब होता है कि आजकल लोग ऑनलाइन मशवरा लेते हैं, डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं अपनी प्रॉब्लम्स, और डिजिटली दवाइयाँ परचेज करते हैं, ठीक है, और इवन अपने आप को डिजिटली एजुकेट भी करते हैं। अगर उन्हें कोई कम्युनिकेबल डिजीज़ या किसी डिजीज़ के सिम्टम्स जानने हो तो वी ऑलवेज़ यूज़ द इंटरनेट, हम इंटरनेट का यूज़ करते हैं। तो हम डिजिटली भी हेल्थ को प्रमोट करें और कहीं ना कहीं टीवी का, मीडिया का सहारा लें ताकि हम हेल्थ को प्रमोट कर पाएँ, ठीक है। सस्टेनेबिलिटी इन फार्मेसी, देखिए हर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का मतलब था कि ऐसे गोल्स जो टिकें, ठीक है। तो फार्मेसी में भी जो हम गोल्स बना रहे हैं तो वो सस्टेन करने चाहिए और लंबे समय तक टिकने चाहिए, और कोई भी गोल अगर लंबे समय तक टिकता है तो हेल्थ को बेटर करने की जो स्ट्रैटेजी हमारी है थ्रू फार्मेसी वो कहीं ना कहीं एक सस्टेन्ड वे में काम करती है, टिकाऊ और ठहरे हुए वे में काम करती है, ठीक है। तो हमें सस्टेनेबिलिटी लानी है कि हम फार्मेसी के थ्रू एक सस्टेन्ड हेल्थ प्रमोट कर पाएँ। तो ये हो गए आपके FIP डेवलपमेंट गोल्स 21, जिसको हमने थोड़ा थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिवली बता दिया है, बट अगर लिखने के लिए आएगा तो आपको यही लिखने हैं, ठीक है, और फुल मार्क्स हैं आपके इसके ऊपर भी आपका कहीं ना कहीं ब्रीफ नोट आएगा या लॉन्ग नोट आएगा, ठीक है। क्योंकि ये टॉपिक्स नए ऐड हुए हैं तो पॉसिबिलिटी है कि इनके ऊपर लॉन्ग नोट आ सकते हैं, तो आप इतना भी लिख देंगे तो आपके फुल मार्क्स हैं।